गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मॉन्ट्रेसियर की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज स्टैंडर्ड 6 में आप लोगों को मैं चैप्टर 4 का प्रश्न उत्तर लिखवाने जा रही हूँ। चैप्टर 4 माँ का एक कहानी, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग आज लिखेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों का क्या है, आखेटक किस बात की हट कर रहा था और क्यों? आखेटक किस बात की हट कर रहा था और क्यों? इसमें उत्तर होगा, आखेटक हंस को अपने साथ ले जाने के लिए हट कर रहा था क्योंकि उसका यह मानना था कि हंस उसके द्वारा चलाए गए तीर से घायल हुआ है। आंसर एक बार फिर से सुनिए, आखेटक हंस को अपने साथ ले जाने के लिए हट कर रहा था क्योंकि उसका यह मानना था कि हंस उसके द्वारा चलाए गए तीर से घायल हुआ है। उसके बाद दूसरा प्रश्न, बात न्यायालय तक क्यों चली गई? इसमें आंसर लिखेंगे, घायल हंस पर अधिकार को लेकर जब दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ने लगा तो उचित फैसले के लिए बात न्यायालय तक चली गई। आंसर एक बार फिर से सुनिए, घायल हंस पर अधिकार को लेकर जब दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ने लगा तो उचित फैसले के लिए बात न्यायालय तक चली गई। तीसरा प्रश्न अब देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है, उपवन के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उपवन के सौंदर्य का वर्णन कीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा, उपवन में अनेक रंगों के फूल खिले हुए थे, फूलों के ऊपर ओस की बूंदें दिखाई दे रही थी। उपवन में अनेक रंगों के फूल खिले हुए थे, फूलों के ऊपर ओस की बूंदें दिखाई दे रही थी। ठंडी हवा के साथ जलाशय के पानी में लहरें भी, एक बार फिर से देखिए इसे, ठंडी हवा के साथ जलाशय के पानी में लहरें भी उठ रही थी। तो ये तीसरा प्रश्न भी आप लोगों को मैंने लिखा दिया। नेक्स्ट डे प्रश्न 4 में आप लोगों को लिखाऊंगी। आज के लिए इतना ही, और आज आप लोगों का होमवर्क है रिवाइज चैप्टर 1। थैंक यू।